वीडियोस सच जरूरी है। यह है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नंदुरबार से सामने आ रही है। छत्रपति मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। अक्षय तृतीया के दिन जिले के सबसे बड़े 48,000 फीट के छत्रपति मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन अक्षय तृतीया के दिन शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र करेंगे। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा एक दिवसीय शिव चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व विधायक व शिवसेना के संपर्क प्रमुख चंद्रकांत रघुवंशी ने नागरिकों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। शिव चर्चा कार्यक्रम में आमतौर पर 1,00,000 लोग मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम की योजना उसी तरह से बनाई गई है। पूर्व विधायक चंद्रकांत रघुवंशी ने बताया कि 3,00,000 वर्ग फीट का मंडप तैयार किया गया है। साथ ही चूंकि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी होंगे और श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, इसलिए पुलिस के भी बड़े इंतजाम किए गए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे की मौजूदगी में पुलिस बल तैनात किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। देश को दिखाना चाहता था कि इस निकम में इंसान का वध कितनी भीड़ कर रहा है। संजय राउत मौजूदा उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष के नेता थे तो कहा करते थे, सत्ता हमारे हाथ में दो मराठा दो दिन में आरक्षण दे देते, फिर महाराष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण मामले में मनचाहा परिणाम क्यों नहीं मिल सका। धनगर समाज मराठा समाज अब इनका क्या हुआ। आप 2 महीने से सत्ता में हैं, धनुष और तीर उन्हें बाहर निकालने के लिए आपके आंदोलन में साथ देते हैं। मराठा आरक्षण में कहा कमी रह गई है, आपको आकर लोगों के सामने यह बात कहनी चाहिए। आप हमारे अभंग में शामिल हो, हमारे अभंग और अपने कीर्तन में आप जो करते हैं वह छोटा है। अभंग महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है, अगर आपके पास ताकत है तो उत्तर अभंग से बचें। यह दिखाई कि आप कहां से सिर्फ चिप्स बजा रहे हैं, अभंगा में हमसे जुड़े। आप जो करते हैं वह छोटा है, हमारे अभंग के कारण महाराष्ट्र में पर्यावरण में बदलाव देखा जा सकता है। चिप बजाकर बताएं खारघर में ऐसा क्यों हुआ। जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसे ठेका किसने दिया, बता दें कि कंपनी किसकी है। इस ग्रुप को यह जानकारी देनी चाहिए कि मींदे ग्रुप ने कहां कहां काम किया है। समिति के सदस्य सदाशयी अधिकारी होते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की भूमिका से सहमत है। मरने वालों की संख्या अधिक है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और शाही मेन्यू क्या था यह भी सामने आ गया है। वे ड्रोन के माध्यम से भीड़ की तस्वीरें लेना चाहते थे और देश को दिखाना चाहते थे कि भीड़ एक त्रुटिपूर्ण मानवीय तर्क है। क्या कोई मेंबर कमेटी इस शाही मेन्यू और शाही भोज की जांच करने जा रही है। अगर आप एक दिन का विशेष सत्र रखना चाहते हैं, संस्कृति मंत्री कहा है उनके महाराष्ट्र में होने या न होने पर संशय बना हुआ है। शरद पवार और मैं जरूर मिले, बेशक राजनीतिक चर्चा होगी, दो राजनीतिक हस्तियां साथ आएगी तो चर्चा होगी। आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में वास्तव में क्या चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इतने तोले पाल रखे हैं, उन्हें तोला तोता करने दो। नोटबंदी की कतार में हजारों लोग मारे गए, राज ठाकरे को मांग करनी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए क्योंकि शव गंगा में तैरता हुआ पाया गया था। लचर प्लानिंग की बात करें, बोझ की बात करें, यूडीटी सूट उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। जानकारी है कि तालुका स्तर पर वॉशिंग मशीन का वितरण किया जा चुका है। मैंने कहा कि जांच करो, अगर मेरी भूमिका है तो बीजेपी और मींदे गुट को क्यों प्रताड़ित किया जाए। महिला संगठन किसने किया, मंत्री छत्र में पार्टी में व्यस्त थे जबकि लोग पानी के लिए जूझ रहे थे। ये सरकार है जो मुद्दों के खेत में माखन जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर धूले से सामने आई है। यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए धूले एसटी सेक्शन में 10 नई बसें शुरू।
यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए परिवहन निगम द्वारा दुलेखंड के लिए नई बसें प्रदान की गई है और दुले करो की सेवा के लिए टाटा मेक बीए 6 की बेहद आरामदायक बसें उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 5 बसें नासिक दुले हाईवे पर चलेगी और बाकी 5 बसें दुले पुणे हाईवे पर चलेगी। परिवहन निगम के अधिकारियों ने यात्रियों से इन बसों का लाभ लेने की अपील की है। धुलेकर यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए परिवहन निगम द्वारा नई बसें यात्रियों की सेवा में लाई गई है तथा धुले आगर को भी 10 नई बसें प्राप्त हुई है। ये बेहद आरामदायक बसें धुले नासिक हाईवे पर बिना कंडक्टर की चलेगी और धुले पुणे हाईवे पर भी 5 बसें बिना कंडक्टर की चलेगी। ये बसें धुले आगर से रात 9:30 बजे पुणे के लिए रवाना होगी और पिछले कई दिनों से यात्रियों की मांग को देखते हुए टाटा मेक कंपनी की इन बीए 6 बसों से यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। परिवहन निगम की पुरानी बसों के कारण पिछले कुछ दिनों में हादसों की संख्या में इजाफा हुआ था। इस पृष्ठभूमि में अब नई बसें प्रदान की गई है और विशेष रूप से धुले नासिक और धुले पुणे जाने वाली बसों के लिए सभी सरकारी योजनाएं उपलब्ध होने जा रही है। महिलाओं के लिए टिकट की कीमत पर 50% की छूट और 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिक ट्विटर हाईकूक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।